दिल्ली के स्लम एरियों में इन दिनों बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनके उज्जवल भविष्य और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए टैगोर गार्डन की एक छात्रा जो है वो पहुंच रही है। जी हाँ, टैगोर गार्डन की 9th क्लास की छात्रा ओजस्वी ढल्लन जो है वो इन दिनों एक एनजीओ, जिस एनजीओ का नाम है हमारी पहचान, हमारी पहचान एनजीओ के साथ मिलकर दिल्ली के वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप में बच्चों के बीच पहुंच रही है। बच्चों को यहां पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ, मेंटेन करने का मतलब जिस तरीके से लोगों से बातचीत करना, पढ़ाई लिखाई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से बढ़ाना है, उसके बारे में लगातार जो है यहाँ पर इस छात्रा के द्वारा जो जानकारी है वो दी जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप की हैं, जहाँ पर ये छात्रा पिछले कई दिनों से जो है बच्चों के बीच पहुँच रही है, उनके साथ टाइम व्यतीत करती है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारी पहचान एनजीओ जो है लगातार साउथ दिल्ली के तमाम क्लस्टर एरियो में काम कर रही है, और उसी में शिक्षा को लेकर भी ये काम करा जा रहा है, और बेहद काम सराहनीय भी, क्योंकि बच्चे भी अपने बीच इस तरीके से लोगों को पाकर बेहद खुश हो रहे हैं। बच्चों का भी किस तरीके से माइंड जो है वो डेवलप हो रहा है, उसकी जुबानी भी हम बच्चों की जुबानी ही आपको सुनाएंगे कि बच्चे इस चीज़ को लेकर क्या कह रहे हैं। लेकिन बच्चे बेहद खुश हैं, बच्चे क्या क्या बना रहे हैं देखिए। हाल ही में चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, उसकी सफल लैंडिंग के बारे में भी यहाँ पर बच्चों ने जो ड्राइंग है वो करके बताई। बच्चों को जो काम दिए जाते हैं वो स्कूल के जैसा काम यहाँ पर भी वो करके लाते हैं। जी हाँ, ये होमवर्क होता है, इस होमवर्क को भी वो करके पहुँचते हैं, और बेहद खुश रहते हैं ये बच्चे इस एनजीओ के साथ। और लगातार ये हमारी पहचान एनजीओ इसी तरीके का जो काम है वो कर रही है क्षेत्र में। यहाँ पर लगातार जो है बच्चे जो है जुड़ते जा रहे हैं। आर सोनी की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsoninews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। एक्चुअली मेरे को मेरे स्कूल से इंटर्नशिप का ऑफर मिला था, एंड मैंने जब देखा कि एक एनजीओ है जो बच्चों को पढ़ा रहा है तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी। तो मैंने जुलाई में अपनी इंटर्नशिप्स की थी, और मैंने 3 क्लासेस ली थी बच्चों की, जिसमें मैंने उन्हें पहली क्लास में टीम वर्क सिखाया था विद अ स्मॉल एक्टिविटी, जिनमें मैंने उनके हैंड्स एंड लेग्स बांध के उन्हें सिखाया था कि जैसे अगर वो एक साथ रन करेंगे, एक साथ रेस में पार्ट लेंगे तो वो जीत सकते हैं, जिससे उन लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था, जैसे उन बच्चों ने बताया होगा। उसके साथ हम लोगों ने इंग्लिश भी किया था, जिसमें मैंने पब्लिक स्पीकिंग सिखाया था। मैंने उनको सिखाया था कि कैसे सीधा खड़ा होना है, कैसे लाउडली बोलना है, और ऐसे तरीके से बोलना है जैसे कि लोगों को इंटरेस्ट आए। और मैंने उनसे एक स्टोरी भी लिखवाई थी, जो थी अगर आप 1,00,000 की लॉटरी जीतते हो तो आप उससे क्या करोगे। सब बच्चों ने खूब अच्छे से किया था, काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे थे, और उन्होंने स्टोरीज बहुत अच्छी अच्छी लिखी थी। अच्छा, जैसे आप एक खुद छात्रा हैं, किस स्कूल से हैं, और स्लम के बच्चों के साथ जुड़ने का, अटैच करने का क्या मकसद क्या है? मैं टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार से हूँ, और मेरी मदर खुद एक टीचर है, तो मैंने बचपन से देखा है कि पढ़ाने में कितना इंटरेस्ट आता है उनको, और मैं भी चाहती थी कि कई ऐसे बच्चे जो मुझे मिले जिनको मैं पढ़ा सकूं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे समझ आता है कि लोग टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, एंड मैंने देखा है कितना एजुकेशनल ये आउटरीच था। सो मेरे को इन बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा, एंड मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा कि मैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकी कि मैं किसी और को पढ़ा सकूँ, अपनी नॉलेज किसी और को दे सकूँ। आगे भी क्या बच्चों को भविष्य में इस तरीके से आप पढ़ाएंगे, मिलेंगे उनसे? हाँ जी, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर मैं, आई वुड होप कि इस साल तो वैसे मेरी 10th है तो मैं बोर्ड से बिजी होंगी, बट आई वुड होप कि अगले साल फिर से मैं इनको पढ़ा पाऊँ और थोड़ी और नॉलेज इनको दे पाऊँ। स्वाति, क्या क्या यहाँ पर हमारी पहचान एनजीओ के द्वारा सिखाया जा रहा है, आपको कौन सी मैडम सिखाती थी? ओजस्वी मैम सिखाती थी हमें, उनमें उन्हें पब्लिक स्पीकिंग सिखाया था, इंग्लिश सिखाया था, मैथ सिखाया था, और टीम वर्क सिखाया था कि टीम वर्क कैसे करेंगे, मतलब किस तरह से करेंगे तो हम लोग मतलब टीम वर्क करेंगे तो हम जीत जाएंगे। और हमें इंग्लिश सिखाया था कि हम कैसे इंग्लिश बोलना चाहिए, मैथ सिखाया था कैसे सम सॉल्व करना है, और पब्लिक स्पीकिंग सिखाया था कि हमें पब्लिक के सामने कैसे बोलना है कि जो सामने वाला मतलब कोई इंसान भी होगा तो सुनने में उसको इंटरेस्ट लगे। तो क्या क्या यहाँ पर सीखा आपने, क्या क्या सिखाया था यहाँ पे? हमारी दीदी ने हमें टीम वर्क और मैथ के बारे में बताया था, मैथ में हमें डिवीजन और मल्टीप्लाई सिखाए थे, इनने एक प्रोजेक्ट वो भी लिया था टेस्ट, उसमें आपको जीता उसे गिफ्ट मिले थे, टीम वर्क में भी एक गेम खिलाया था उसमें भी गिफ्ट मिले थे, एक स्टोरी लिखवाई थी 1,00,000 की लॉटरी उसमें भी हमें वो टीम वर्क के संग करना था बस।
जाती है एनजीओ आपके पास, यहाँ पे हमारी पहचान आती है, कितना फायदा आप लोगों को मिलता है? हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है और यहाँ हर रोज आते हैं तो हमें और नॉलेज बढ़ती है। हमारे घर से घर के पास भी है इसलिए हमें अच्छा लगता है, फ्री का भी है। दूसरा क्या सीखा आपने? हमें टीम वर्क और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सिखाया था मैम ने, और मैथ्स की और इंग्लिश की क्लासेस भी हुई थी। और टीम वर्क में हमने सीखा था कि हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और पब्लिक स्पीकिंग में हमें मतलब सीधे खड़े होकर और लाउडली बात करना चाहिए। आप किस स्कूल में जाती हैं, कौन सी क्लास में हैं आप? मैं सर्वोदय विद्यालय में जाती हूँ और मैं 9th क्लास में हूँ। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी? हाँ, मतलब कभी कभी हमें बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर दीदी ने सिखाया तो सीखा आपने? हाँ ठीक। और जसवी दीदी हमें सिखाती थी। क्या बताया, क्या बताती? उन्होंने हमें टीम वर्क के बारे में सिखाया कि हम एक साथ मिलके कोई सी भी जीत हासिल कर सकते हैं। तो क्या कितने दिन का आपका क्लास था यहाँ पर, क्या सीखा आपने? हमने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में भी सीखा था कि हमें सीधे खड़े होकर और लाउडली बोलना चाहिए। और मैम की 3 क्लास हुई थी। अच्छा, तो अच्छा लगा उनके साथ? यस मैम। तो आप ये चाहते हैं कि वो आए हमेशा आपके पास? यस सर। हमारी एनजीओ बहुत जगह काम कर रही है। एक्चुअली हमने साउथ दिल्ली में काफ़ी सारे स्लम्स अडॉप्ट कर रखे हैं, जिसमें से एक भंवर सिंह कैंप हमारा एक स्लम है जो हमने अडॉप्ट कर रखा है। और हम बेसिकली 5 कॉजेज पे काम करते हैं, जिसमें जैसे अभी और जसवी जिस पे काम कर रही थी वो एजुकेशन फॉर ऑल था, उन्होंने ये कॉज सेलेक्ट कर रखा था। ऐसे ही हमारे पास सपोर्ट फॉर एल्डरली है, और स्किल्स डेवलपमेंट है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है जो कि हमारा सुखद का प्रोजेक्ट है। इन सारे कॉजेस पे हम काम कर रहे हैं। और सर मकसद क्या है हमारी पहचान का, जो स्लम के बच्चों तक क्या वो ज्ञान नहीं पहुंच पाता, सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, उस वजह से स्लम में ही सिखाया जा रहा? कई बार ऐसा होता है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है आगे बढ़ने की, अपनी एक पहचान बनाने की। तो हमारी पहचान के थ्रू हम उनको एक पहचान बनाने का मौका दे रहे हैं, हम उनको एक इस लायक बना रहे हैं। वो सारी फैसिलिटीज़ यहीं स्लम में ही प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहाँ जाएँ, हमें पता नहीं है कि हमें ये चीज़ें नॉलेज कहाँ से मिलेंगी। तो हमारा एक छोटी सी यही हेल्प है उनके लिए कि हम उनको ये सारी फैसिलिटी उनके पास ही प्रोवाइड कर सकें।